वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, शुभ प्रभात, कैसे हो? ठीक हो? यस, ओके, वी विल स्टार्ट। आज का दिनांक क्या है? आज का दिनांक 22 देन नाउ 2021, आज का दिन बुधवार। यस देन आज का विचार, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। क्या है? अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। यस, आज का विषय क्या है? हिंदी। यस, ओके, देन वी कंप्लीटेड पार्ट लेसन टू, वी कंप्लीटेड। यस, देन नेक्स्ट वी हैव लेसन थ्री, पार्ट थ्री। क्या है? भारत रत्न अब्दुल कलाम, भारत रत्न अब्दुल कलाम। हमारा पाठ का नाम क्या है? भारत रत्न अब्दुल कलाम। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, हिंदी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर सिक्स। लिसन कैरफुली चिल्ड्रन, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड लिसन। हमारे 11 राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में ही ये पाठ, ये पाठ हमारे 11 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। लिसन, ध्यान से सुनो। भारत रत्न अब्दुल कलाम विविध प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान, मीन्स प्लेस, ओके, तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 1931, ओके, 1931 में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्थान रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आयशा माता। उसका पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन, ओके, और माता का नाम क्या है? आशी अम्मा। वो बहुत ही धर्म पर्यायण तथा दयालु महिला थी। उसका माँ, अब्दुल कलाम का मादा, बहुत धर्म परायण और दयालु महिला थी। अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। अब्दुल कलाम का बचपन मीन्स चाइल्डहुड, बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत पुअर फैमिली वाले ही वाज बोर्न, संघर्षपूर्ण बीता था। वे सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock ही वेक अप एंड ही गो टू द ट्यूशन क्लास, गणित मैथ की ट्यूशन क्लास, ओके। अब्दुल कलाम की बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। वह सुबह 4 बजे से उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। वहां से लौटकर 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर घरे में बांटते तथा घूम घूम कर बेचते थे। क्या है? सुबह 4 बजे गणित के ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे और क्या हुआ? 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से अखबार लेकर घरे में, अखबार न्यूज पेपर,
After he is doing newspaper, see the newspaper also. Yeah, yes. Then घूम कर बेचते थे. 8 बजे पर वापस आकर, 8 बजे वापस आकर तैयार होकर विद्यालय जाते जाते. 8 बजे 8 o'clock will come to the home and go to the school. Yeah, विद्यालय जाते. उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे. उनकी प्रतिभा देखकर अध्यापक उनसे बहुत प्रभावित होते थे. उनके प्रिय अध्यापक सुब्रमण्य द्वारा पढ़ाया गया पाठ पक्षी उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया. अब्दुल कलाम की प्रिय अध्यापक का नाम क्या है? सुब्रमण्य. फेवरेट टीचर उस सुब्रमण्य द्वारा पढ़ाया गया. He was teached one lesson, पक्षी. लेसन का पाठ का नाम क्या है? पक्षी. उस पक्षी नामक पाठ भी उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत बन गया. उनके अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने तथा नाव के लिए अच्छे लगता था. उसने उसके पिता के साथ नमाज पढ़ने के लिए भी और नाव खेलना अच्छा लगता था. रामेश्वरम के प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के स्वाटिक विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उसे रामेश्वरम में जाकर एक विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा भी पास की. सन 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेठ जासिफ कॉलेज में प्रवेश किया था. Yes. After what he did, उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेठ जासफ कॉलेज के कॉलेज का नाम क्या है? जासफ कॉलेज में प्रवेश किया था. वहां से उन्होंने बौद्धिक विज्ञान तथा गणित विषय लेकर बीएससी का डिग्री प्राप्त की. वहां से इस विश्वविद्यालय में उन्होंने गणित और बौद्धिक विषय मीन्स फिजिक्स एंड मैथ के गणित और बौद्धिक विषय लेकर बीएससी की डिग्री प्राप्त की. उसको बौद्धिक विषय और गणित की डिग्री भी प्राप्त की. बीएससी की डिग्री प्राप्त की. कलाम जी एमआईटी की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसे पास हो गई. Yes. क्या हुआ? कलाम ने एमआईटी की इंजीनियरिंग परीक्षा प्रवेश की परीक्षा भी उसे पास हो गई. प्रवेश लेने के लिए उनके पास धन न था. उस कॉलेज में प्रवेश किए के बाद उसके पास धन नहीं था. उसके पास क्या है? अब्दुल कलाम के पास पैसा नहीं था. उनकी बहन जोहरा ने अपने आभूषण बेचकर उनकी सहायता की. उसकी बहन ने उसकी सहायता की. उसकी आभूषण मीन्स ज्वेलर्स. क्या बहन मीन्स वाचन सिस्टर. उसकी बहन ने अपने आभूषण बेचकर उनकी पढ़ाई के लिए सहायता की. जब एमआईटी के कलाम एरोनॉटिक इंजीनियर बनकर निकले, तब उसके बाद कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियर भी पास किया. तभी उनकी सहायक इंजीनियर के रूप में सरकारी पद पर नियुक्त की. उसके बाद उन्होंने सरकारी पद पर नियुक्त की. गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रक्षेपास्त्रों के विकास का कार्यभार उनके साथ दिया। उसके प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साइंटिस्ट के प्रसिद्ध वे फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई उसके एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई उनकी प्रतिभा देकर प्रक्षेपात्रों मीन्स मिसाइल यस की वैज्ञानिक की विकास के कार्यक्रम में संधि प्रक्षेपास्त्रों के उसको साइन दिया था। एंड हैदराबाद के टीआरटीएल में उन्होंने कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम किया। हैदराबाद में टीआरटीएल में उन्होंने अब्दुल कलाम ने सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम किया था। उनके अथक परिश्रम के कारण ही देश की सुरक्षा के लिए अपनी पृथ्वी त्रिशूल नाग ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निमंत्रण संभव हो पाया। इस अब्दुल कलाम के परिश्रम के कारण देश की सुरक्षा के लिए अपनी पृथ्वी नामक मिसाइल का नाम है कि अपनी पृथ्वी त्रिशूल नाग ब्रह्मोस आदि मिसाइलों का निर्माण उसके परिश्रम के कारण संभव हो गया था। कलाम जी के कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। ओके, देन राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी अब्दुल कलाम को प्राप्त हुआ। 1997 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 1997 में इंदिरा गांधी का पुरस्कार और भारत रत्न भी सम्मानित किया। उनके अनुशासन प्रियता सेवा भावना के गुणों के कारण 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। उसकी अनुशासित और सेवा भावना के कारण इन गुणों के कारण 25 जुलाई 2002 उसे भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाने का गौरव प्राप्त 2002 के 11th प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम जी को बच्चे ही लाइक चिल्ड्रंस मोर बहुत प्यार था। वे बच्चों को सपने देखने तथा उन्हें पूरा करने का संदेश देता है। क्या बच्चों के लिए अब्दुल कलाम ने क्या संदेश देता है? बच्चों के लिए सपना देखना, यू वांट टू सी ड्रीम्स, ओके, सपना देखना तथा पूरा करने का संदेश वो सपना हमें पूरा करने का संदेश भी अब्दुल कलाम बच्चों के लिए देते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दीर्घ दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु कहाँ से कब हो गई? 27 जुलाई 2015 शिलांग के दिल के दीर्घ दौरा पड़ने में उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम भारत इतिहास के ऐसे महापुरुष हुए जिसे लाखों लोग प्रेरणा
लेते रहेंगे। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। भारतवर्ष की जनता को अपने इस संपूर्ण पर हमेशा गर्व रहेंगे। हमें भारतवर्ष के इस जनता को अब्दुल कलाम के बारे में हम गर्व रहेंगे। We'll also proud of yes, in this person where he born in India only he was born. We'll also proud of him. Yes, is that? Yes. Do you like Abdul Kalam? आपको अब्दुल कलाम को पसंद है? मुझे बहुत तो पसंद है अब्दुल कलाम। Yes, it's very personality person. I like very much. Okay, children. Yes, then we have a shabd in your textbook, page number 7. Hope you can understand this lesson. Yes? Yes. Then we have a shabd, page number 7, senior textbook. First one, Pratibha, Abhushan, Niyukti, Prerana, Vikyut, Mahapurush, Pidya, Garb. Next we have Shabdat, Vivid. This you should write in your Hindi notebook, okay? Shabdarth, vivid, kai taraki, sankarsh, kadinai, abhushan. Yes, vivid, kai taraki, sankarsh, kadinai, abhushan, gahana, gahane, himmat, sahas, pratipa, yogyata, prerana, prabhavit hona, atav, bina, रुके गर्व अभिमान के दिस यू शुड राइट इन योर नोटबुक हिंदी नोटबुक ओके यस अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है डू यू नो चिल्ड्रन मिसाइल मैन भी कहा जाता है देन टेक आउट पेज नंबर 16 सी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो यस आंसर द फॉलोइंग एंड शो इन द नोटबुक ओके कैन यू सी चिल्ड्रन लिसन I will send the pic also, okay, today. Then only you can write it. Abdul Kalam ka bachpan kaisa bheeta. Abdul Kalam ka bachpan bahut sangharsh poorn bheeta tha. Ve subah 4 baje udhkar ganit ke tuition padhne jate the. Wahan se lautkar 3 kilometer dur railway station se akbar lekar घरे में बांटे थदा घूम घूम कर बेचते 8 बजे घर वापस आकर तैयार होते और विद्यालय जाते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन अब्दुल कलाम की शिक्षा कैसे पूरी हुई। अब्दुल कलाम जी ने रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम में स्वाटिच विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के स्टेट जोसेफ कॉलेज से बौद्धिक विज्ञान और गणित में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। एमआईसीटी से कलाम एरोनॉटिक इंजीनियरिंग बनकर निकले। अब्दुल कलाम ने किन किन मिसाइलों के निर्माण में सहयोग दिए। किन किन मिसाइल अब्दुल कलाम ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी पृथ्वी त्रिशूल नाग ब्रह्मोस आदि मिसाइलों के निर्माण में सहायक की। अब्दुल कलाम के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब्दुल कलाम के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और लगन से अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन
अब्दुल कलाम के बारे में सात पंक्तियां लिखो। अब्दुल कलाम के बारे में सात पंक्तियां लिखो। ओके, यू वांट टू राइट सेवन सेंटेंस अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, यस, इन योर नोटबुक यू शुड ओनली राइट, बिकॉज इन दिस सेशन वी लर्न अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम ओनली। यू शुड ओनली राइट, राइट टू राइट। ओके, देन नेक्स्ट, पाठ में से रा के विभिन्न रूप वाले शब्दों को रेखांकित करो और लिखो। रा के विभिन्न रूप, रेफ एंड ऑल वी लर्न नो, डू यू नो चिल्ड्रन? फिनोमिन्स यू विल राइट, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, फिनोमिन्स यू विल राइट हियर, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू रा के विभिन्न रूप, रेफ एंड ऑल। ओके, निम्न शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो, दिस ऑल्सो डू चिल्ड्रन। प्रेरणा, हमें अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिभा, मेरा मित्र बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इससे प्रसिद्ध, आगरा का ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत था, इमारत है। चुनौती, हमें चुनौतियों का टहर कर सामना करना चाहिए और घबराना चाहिए। ओके, थिंक टुडे दिस मच इनफ। ओके चिल्ड्रन, देन आई विल सेंड द नोट्स आल्सो, हाउ मच वी कंप्लीटेड दैट मच आई विल सेंड द नोट्स टुडे। ओके, यू शुड राइट इन योर नोटबुक, बिकॉज आंसर द फॉलोइंग वी कांट एबल टू राइट हियर, this big big answer. Okay, that's why no need to write here. Directly you will write in your Hindi notebook. Today till here we completed, baki mein prayog kijiye. Till there I will send it in the group. Okay? Yes. Then see children, this you should only write. Abdul Kalam ke baare mein paanch vaakya, saat vaakya pankhiyan likho. This you should only write. Try to write. Okay? Hope you can do. Then rave. You know me, you don't need to write. In next class I will explain detail. Yes, children, understand, your homework is writing question answer in your notebook. Okay, yes, this is your homework. Then today enough, we will meet you in the next class. Bye.